आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। नगर पालिका में हो रहे कार्यों के भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रमों में पार्षदों की सहमति नहीं ली जाती, जिससे नाराज पार्षद सचिन पुरोहित व अन्य भाजपा और कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने नगर पालिका सीएमओ को इसकी शिकायत की। शिकायत में बताया गया, झंडा चौक में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना, इसकी सहमति बड़े हर्ष से सभी पार्षदों ने दी थी, पर इस कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए परिषद की सहमति नहीं ली गई। वो माननीय गृह मंत्री बाला बच्चन के कर कमलों से इस कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण होता तो गौरव का विषय होता, ना ही उन्हें आमंत्रित किया गया। शिकायत सीएमओ को पार्षद सचिन पुरोहित जी के लेटर पैड पर की गई, जिसमें कुछ भाजपा और कांग्रेस के पार्षद की साइनें थी। मिथुन यादव, लोकार्पण में हमारा विरोध कई बार हमने पूर्व में भी दर्ज कराया है। जब भी कोई कार्यक्रम हो नगर पालिका के द्वारा, हमें सिर्फ मोबाइल पर सूचना सभी पार्षदों को दी जाती है। इसी को लेकर हमने पूर्व में भी अध्यक्ष महोदय को भी नॉलेज में डाला है और सीएमओ साहब को भी डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नगर के द्वारा चुने गए जो अध्यक्ष जी है वो नगर के साथ और नगर की जनता के हिसाब से नहीं चल रहे, वो रिमोट कंट्रोल वाले किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चले जा रहे हैं। विरोध स्वरूप में हमने ये किया कि हमने सबसे पूर्व में प्रथम तो हमने बहिष्कार किया है, उस कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हुए। दूसरा विषय ये है कि उसमें जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो शिलान्यास किया है उस पर पत्थर के ऊपर नाम लिखा गया है, जिसमें सांसद जी हमारे नगर के हैं, हमारे जनप्रतिनिधि है, उनका भी नाम नहीं है, एवं और भी पूर्व पार्षदों का भी नाम लिखा गया है, लेकिन पूर्व अध्यक्ष का नहीं लिखा गया, यही हमारा विरोध था। कार्यक्रम को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। हाँ, पार्षदों का ये कहना था, दोनों पार्टी के पार्षदों ने एक लिखित में आवेदन दिया कि लोकार्पण के लिए जो शिलालेख है उसमें कुछ पूर्व अध्यक्ष वगैरह के नाम नहीं लिखे हैं, और दूसरा उनका ये भी आपत्ति थी कि हम लोगों को अध्यक्ष जी के साथ में बैठ के सहमति बनना चाहिए और उसके बाद में इतना बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, माननीय मंत्री जी वगैरह को आमंत्रित करना चाहिए, इस तरह का एक आपत्ति ली उन्होंने और एक लिखित में आवेदन दिया है। अभी हम अध्यक्ष महोदय से चर्चा करके पार्षदों को भी बिठाएंगे और चर्चा करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार का जो लोकार्पण और जो कार्यक्रम होता है उसमें सभी लोगों को अवगत करा के एक परिषद में बात रखें, ऐसा मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय। लोकार्पण को लेके पार्षदों की नाराजगी पार्षदों ने व्यक्त की है, क्या कहेंगे? नहीं, किस संबंध में व्यक्त की है? कोई सूचना नहीं दी और कोई बैठक नहीं ली, इस बारे में उनका विरोध है। नहीं, एक्चुअल क्या है कि सारे पार्षदों से के साथ मिल कर 8 दिन पहले यह निर्णय किया था कि अगले गुरुवार हमको सुलभ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करना है। उसमें सभी ने कहा था कि या तो कुछ पार्षदों ने यह कहा कि बाला बच्चन जी को बुला लीजिए, कुछ पार्षदों ने यह कहा कि कांतिलाल जी भूरिया को बुला लीजिए, कुछ पार्षदों ने और प्रभारी मंत्री और इन सबको बुलाने के लिए कहा था। मैंने सबसे संपर्क किया था, बाला बच्चन जी से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि मैं केवल 4 या 5 तारीख तक ही बड़वानी जिले में हूँ, इसके बाद मुझे कहीं बाहर कार्यक्रम में जाना है। कांतिलाल जी भूरिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, अभी मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा और थोड़ा लंबा टाइम लीजिए तो मैं आ जाऊंगा। क्योंकि नगर पालिका की माली हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको जल्दी लोकार्पण करके दुकानों की नीलामी जल्दी करना है, इसलिए कर दी। और पार्षदों के साथ मिल के बात हुई, कल भी हम सारे पार्षद साथ में थे, डस्टबिन बांटे वहाँ पे सारे पार्षद थे, सचिन भाई साथ में थे मेरे, सचिन भाई से भी चर्चा हुई, सारे पार्षदों की इस बारे में जानकारी है कि लोकार्पण आज की 7 तारीख को होना था। और पार्षदों का ये भी कहना है कि बड़वानी क्षेत्र में है सांसद महोदय, उनका नाम देखिए, कल सांसद महोदय से भी बात हुई थी, उनका मोबाइल बंद आ रहा था, है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सारे जनप्रतिनिधियों को नहीं, शिलालेख में तब नाम डालेंगे ना जब वो अनुमति देंगे, जब उनसे अगर चर्चा हो जाती। कल उनका मोबाइल बंद आ रहा था, हमारे यहाँ बैठकर हमारे सीओ भाई और हम सब ने कर्मचारियों ने मिलके सूचना दी,
दूसरा क्या है कि पार्षद हमारे परिषद के पार्षद हैं, हमारे पार्षद हैं, परिवार के मेंबर हैं, हमारी परिषद के साथी हैं, और ऐसी कोई बात है नहीं कि सूचना वाली कोई बात नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात है तो उनसे चर्चा कर लेंगे, और अगली बार जब भी कोई लोकार्पण कार्यक्रम करेंगे उनके साथ बैठ के बात कर लेंगे। सारे पार्षद अच्छे हैं, सब वर्कर हैं, और सब चाहते हैं कि नगर का विकास हो, और नगर के विकास के लिए हमको मिल के ही काम करना है, और हमेशा मिल के निर्णय लेते हैं, और ये निर्णय भी मिल के लिया है। अब हो सकता है कि वो तारीख का कोई इधर उधर रहा होगा, पर अगले गुरुवार को निर्णय करेंगे ऐसा सारे पार्षदों ने बताया, और सारे पार्षदों के साथ मिल के ही लोकार्पण कार्यक्रम का निर्णय लिया गया। और रही बात जब कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आ पा रहे थे, सबका अपना अपना शेड्यूल था, तो फिर हमने विचार किया कि ठीक है दोनों विधायकों को बुला लेते हैं, बड़वानी और पास के विधायक पानसेमल के विधायक है उनको बुला लेते हैं, ऐसा निर्णय ले लिया था। बाकी और ऐसी कोई बात है नहीं।